हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अमेजिंग किचन गैजेट, जो कि आपके किचन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, जिनका यूज करके अपना किचन के काम को बड़ी आसानी से और काफी कम टाइम में कर सकते हैं। और अगर आपको ये गैजेट पसंद आते हैं तो आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर पाएंगे। सो गाइस, हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल ड्रॉवर्स। दोस्तों, हमारे फ्रिज में कई बार सामान ज़्यादा होने की वजह से स्पेस की कमी हो जाती है, तो हमारे फ्रिज में स्पेस को बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस कमाल के गैजेट को, जिन्हें आप इजीली अपने फ्रिज में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने किचन आइटम को इसमें रख सकते हैं। सो गाइज, अपने किचन सेल्फ और फ्रिज के स्पेस को बढ़ाने के लिए आप इन ड्रॉवर्स का यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्पल प्रेस। दोस्तों, इस यूनिक गैजेट में आपको एप्पल को या कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को चॉप करके फिल कर लेना है। उसके बाद इसकी कैप को टाइट करके इसमें दिए गए हैंडल को राउंड शेप में घुमाना है, और नीचे बने कंटेनर में सारा फ्रेश और डिलीशियस जूस इकट्ठा हो जाएगा। गाइस, वैसे तो इसका नाम एप्पल प्रेस है, मगर आप इसमें कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को चॉप करके उसका जूस निकाल सकते हैं। हॉट एयर पॉपकॉर्न मेकर। गाइस, पॉपकॉर्न लवर्स के लिए ये गैजेट काफी यूजफुल होने वाला है। इसमें आप हेल्दी एंड ऑयल फ्री पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये काफी इजी टू यूज होता है। आपको इसमें कॉर्न शीट को डालकर इसे ऑन कर लेना है, और ये अपनी हॉट एयर टेक्नोलॉजी से फ्रेश एंड ऑयल फ्री पॉपकॉर्न आपको दे देता है। वेजिटेबल मिल। दोस्तों, ये वेजिटेबल मिल हमारे किचन के लिए काफी यूजफुल गैजेट है। सिंपली आपको एक बाउल को इसमें अटैच करना है, और उसके बाद इसमें वेजिटेबल को डालकर इसके हैंडल को घुमाना है, और वेजिटेबल एकदम परफेक्टली मैच होकर नीचे बाउल में आती रहेगी। दोस्तों, वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट को मैच करने के लिए ये हमारे किचन के लिए काफ़ी अच्छा गैजेट हो सकता है। अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, अगर आप भी बर्तन धोने की झंझट से बचना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस कमाल के डिशवॉशर का, जिसमें आप बस एक प्रेस से बर्तनों को धो सकते हैं और उन्हें ड्राई भी कर पाएंगे। बस आपको इसे प्लग इन करना है और ड्रेन पाइप को सेट कर लेना है, और फिर आपको इसमें गंदे बर्तनों को रख कर इसमें एक वॉशिंग सोप को रख देना है, और इसमें 4-5 लीटर पानी को फिल करके इसे ऑन कर लेना है, और ये आपके सारे बर्तनों को अपने हाई प्रेशर से कुछ ही मिनट्स में क्लीन कर देता है, और ड्राइंग सिस्टम ऑन करने से उन्हें कुछ ही सेकंड में सुखा भी देता है। सो गाइज, अगर आपको भी बर्तनों को धोना बड़ा ही झंझट वाला काम लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। वेजिटेबल चॉपर एंड डाइसर। दोस्तों, अब आप इस गैजेट की मदद से किसी भी वेजिटेबल्स को डाइसेस एंड क्यूब शेप में परफेक्टली कट कर सकते हैं। आपको बस वेजिटेबल्स को इसमें रखना है और इसके दूसरे पार्ट से इसे प्रेस कर देना है, जिससे कि वेजिटेबल्स डाइस शेप में कट हो जाएंगी। इसमें स्टेनलेस स्टील के ब्लेड लगे होते हैं, जो वेजिटेबल्स को बस एक प्रेस से कट कर देते हैं, और आप वेजिटेबल्स को सैलेड एंड डिशेस के लिए रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो इजी टू यूज होता है एंड ये पूरी तरह से नॉनस्टिक होता है। बस आपको इसे प्लग इन करके इसमें राइस को डाल लेना है, और जरूरत के हिसाब से पानी को डाल देना है, और इसमें दिए गए बटन को ऑन कर लेना है, और कुछ ही मिनट्स में चावल रेडी हो जाएंगे। आप इसमें चावल के अलावा वेजिटेबल्स एंड मोमोज को भी स्टीम कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप भी गैस का खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप इसे 1000 रुपीज में बाय कर सकते हैं। गाइज, अब देख लीजिए इस कमाल के बैटर मिक्सर को। आप इसके हैंडल को घुमाकर बैटर को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसमें वायर ब्लेड लगी होती है, जो कि इसके हैंडल को घुमाने पर घूमती है, और आप स्मूदी, क्रीम, एग बीट एंड शेक्स को परफेक्टली बना सकते हैं। सो गाइज, ये गैजेट हमारे किचन में बेहद ही यूजफुल होने वाला है, जिससे आप 250 रुपीज में बाय कर पाएंगे।
गाइज हमारे किचन में कई पैकेट्स ऐसे होते हैं लाइक चावल दाल या ओट्स जिन्हें ओपन करने के बाद उन्हें जार में रखना पड़ता है। तो गाइज अब मैं आपके लिए लेकर आऊं ये कमाल के सीलिंग क्लिप जिनका यूज करके आप पैकेट्स को ही एक जार में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको पैकेट्स को कट करके इन क्लिप को उस पर अटैच कर लेना है और ये रियूजेबल डिस्पेंसर की तरह काम करता रहेगा और आपका फूड आइटम्स भी खराब नहीं होता। सो गाइज ये क्लिप आपके किचन में काफी यूजफुल होने वाले हैं जिन्हें आप 300 रुपीस में बाई कर सकते हैं। फ्लोर सिफ्टर, गाइज अब मैं आपके लिए लेकर आऊं ये कमाल का गैजेट जिसमें आप आटे को या फिर मैदे को रख कर उसे छान सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें आटा डालने के बाद आपको इसमें दिए गए हैंडल को बार बार पुल करना है जिससे आटा छन कर नीचे आ जाएगा। सो गाइज अगर आपको ये छलनी पसंद आई तो आप इसे 299 रुपीस में बाई कर सकते हैं। दोस्तों कई बार किचन में खाना बनाते टाइम हमारे हाथ भी जल जाते हैं तो अब आप यूज कर सकते हैं इन ग्लव्स का जो 230 डिग्री तक के टेम्परेचर से आपके हाथों को प्रोटेक्ट कर देता है। ये 4-लेयर टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। सो गाइज आप इन ग्लव्स को पहनकर किचन के काम को इजीली कर पाएंगे। ये हीट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ कट रेजिस्टेंट भी होते हैं जिन्हें आप 300 रुपीज में बाई कर पाएंगे। रोटेटिंग सीरियल कंटेनर, गाइज हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये सीरियल कंटेनर जिसमें अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं। आप इसमें चावल के साथ साथ सभी प्रकार की दालों को भी ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं और खाना बनाते टाइम आप इसे बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं। और ये कंटेनर पूरी तरह से एयर टाइट होते हैं जिससे कि फूड आइटम्स खराब नहीं होते। आप इसे व्यू प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय कर सकते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट गैजेट है ये कमाल का ऑर्गेनाइजर रैक। इसे आप कुछ ही सेकंड्स में अपनी किचन की वॉल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप इसमें किसी भी साइज के लिड को ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं और साथ ही आप इसमें 6 अलग अलग आइटम्स जैसे स्पून, स्पैचुला एंड यूटेंसिल सेट्स को इसमें हैंग करके रख सकते हैं। सो गाइज यूटेंसिल्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए ये गैजेट बहुत ही यूजफुल हो सकता है। गाइज ये कमाल का स्पाइरल कटर आपके किचन में काफी यूजफुल हो सकता है जिसमें आप वेजिटेबल्स को स्लाइसेस में कट कर सकते हैं एंड स्पेशली कैबेज को आप इसमें कट कर पाएंगे। सिंपली आपको इसमें वेजिटेबल्स को अटैच कर लेना है और इसमें दिए गए हैंडल को घुमाना है जिससे कि वेजिटेबल स्लाइसेस में कट होती रहेंगी। सो गाइज अगर आप भी वेजिटेबल्स को फटाफट से और सेफ्टी के साथ कट करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। मीट टेंडराइजर, दोस्तों मीट को अच्छे से फ्राई करने के लिए आप इस गैजेट का यूज कर सकते हैं। बस आपको इससे मीट को बार बार प्रेस करना होता है। इसमें शार्प ब्लेड लगी होती हैं जो मीट में छोटे छोटे होल्स कर देती हैं जिससे कि मीट अच्छे से फ्राई हो जाता है। सो गाइज अगर आप भी नॉनवेज खाते हैं तो ये गैजेट आपके काफ़ी काम आ सकता है। दोस्तों इस छोटे से गैजेट की मदद से आप अनार को बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं और इसके दानों को भी अलग कर सकते हैं। सिंपली आपको आधे कटे अनार को इसके ऊपर रखना है और स्पून से बार बार हिट करना होता है जिसके बाद दाने बाउल में आ जाएंगे और आप फ्रेश अनार का मजा ले सकते हैं। गैस अगर आप भी अपने घर पर ही कुकीज एंड बिस्किट जैसे बेकिंग आइटम्स बनाते हैं तो ये गैजेट आपके बेहद काम आने वाला है। बस आपको इस रोलर को आटे या फिर मैदे के ऊपर चलाना है और ये परफेक्टली राउंड या स्क्वायर शेप में उसे कट कर देगा जिससे कि आपका काफी टाइम बचने वाला है और आप एक प्रोफेशनल तरीके से घर पर ही बेकिंग आइटम्स बना सकते हैं। और ये आपको अलग अलग डिजाइन में भी मिल जाएंगे और आप अपनी पसंद के हिसाब से घर पर ही डिशेस बना सकते हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय कर पाएंगे। दोस्तों माइक्रोवेव में खाना गर्म करने पर वे काफी गंदे हो जाते हैं जो कि आसानी से क्लीन नहीं हो पाते। इस गैजेट की मदद से आप खाने को कवर करके रख सकते हैं और माइक्रोवेव को गंदा होने से बचा सकते हैं और आपका फूड भी पूरी तरह से हाइजीन रहता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक मैग्नेट लगे होते हैं जिससे कि ये माइक्रोवेव में स्टिक हो जाता है और ये हर साइज के बर्तनों में फिट हो जाता है। आप इसकी मदद से फूड आइटम्स को कवर कर सकते हैं और माइक्रोवेव को गंदा होने से बचा सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।